मैं जो भी कुछ हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हूं। इस बात का बदला मैं संविधान की रक्षा करके चुकाऊंगा। मैं पे बैक टू फैमिली और पे बैक टू सोसाइटी करके चुकाऊंगा। मैं समाज के पुनर्निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। कोई चीज या चमत्कारी माला नहीं पहनी, मेरे माथे पर कोई तिलक नहीं है। मैंने हाथों की रेखाओं या माथे की रेखाओं में भविष्य नहीं तलाशा। मैंने कभी वास्तुकला का ध्यान नहीं रखा। मेरी सफलता के पीछे पूर्व जन्मों का कोई फल नहीं है। मैंने किसी की आरती नहीं उतारी। मैंने माथे पर कोई काला टीका नहीं लगाया। किसी नदी में नहाने से भी मुझे सफलता नहीं मिली। मेरे घर के सामने कोई ढोलक नहीं टंगी है। मैंने किसी धर्म के ठेकेदार को रिश्वत नहीं दी। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी, बलि नहीं चढ़ाई। मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़वाया। मैंने कोई हवन नहीं किया। मैंने कोई मुहूर्त भी नहीं निकलवाया। मैंने किसी शक्ति के सामने चढ़ावा नहीं चढ़ाया। किसी के पैरों में गिरकर सफलता प्राप्त नहीं की। मैंने किसी ग्रह के बदलने का इंतजार नहीं किया। मैंने किसी उपहार की बोली नहीं लगाई। मैंने अपने शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार पर नियंत्रण रखा। मैंने जीवन में बचपन से ही कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, खूब रुचि और गंभीरता से पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा। जब फेल हो गया और अधिक परिश्रम से पढ़ाई की, और ध्यान से पढ़ाई की, नई रणनीति तय की, अपना समय प्रबंधन किया, गुरुओं से मार्गदर्शन लिया, माता पिता से प्रेरणा व आशीर्वाद लिया, मित्रों से सहयोग लिया, उधार लिया, सफल लोगों से जलन नहीं की, अपने से अधिक सफल लोगों से मार्गदर्शन लिया, उनकी खासियत देखी, उनकी कमियों को महत्व नहीं दिया। मैंने महामानव बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष और उद्देश्य को समझा और नैतिकता के रास्ते पर चला, विज्ञान के रास्ते पर चला। मैंने पुरानी परंपराओं, उत्सवों पर समय, धन और ऊर्जा नहीं गंवाई। अपने चरित्र को बनाए रखा तथा रोजमर्रा के झगड़ों से स्वयं को बचाया। किसी प्रकार का नशा और अहंकार से अपने आप को बचाया। दूसरों की हंसी उड़ाने की जगह मैंने दूसरे की कमियों को सीख की तरह माना। मैंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है प्रतिनिधित्व का, उसे लिया। मैं जो भी कुछ हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हूँ। इस बात का बदला मैं संविधान की रक्षा करके चुकाऊंगा। मैं पे बैक टू फैमिली और पे बैक टू सोसाइटी करके चुकाऊंगा। मैं समाज के पुनर्निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं अपने सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवारीजन आदि सभी ने मेरे जीवन को संवारा है। मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। साथ ही मैं अपने परिचितों, मित्रों, छोटे बच्चों, विद्यार्थियों से यह अपील करता हूँ कि वह किसी अंधविश्वास के भ्रम में न पड़कर मेहनत